जारी, बुलेटिन में आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। गाजियाबाद में चलती कार से एक युवक पिस्तौल लहरा रहा है, जिसके बाद यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। अब पुलिस इस युवक की तलाश कर रही है। हाईवे पर दिखाई दबंगई, कार से पिस्तौल लहराई। यूपी 14 FE 3446 नंबर की यह सफेद कार गाजियाबाद की सड़क पर दौड़ रही है। अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे सड़क पर सफर कर रहे दूसरे राहगीर भी सकते में आ गए। कार के अंदर बैठा एक शख्स पिस्तौल निकालता है और हवा में लहराने लगता है। गाजियाबाद में सिद्धार्थ विहार के पास का ये वीडियो बताया जा रहा है। गौर से देखने पर पता लगा कि कार में पीछे की सीट पर तीन और लोग भी बैठे हुए हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं। पिछली सीट पर दरवाजे के पास बैठा एक शख्स पिस्तौल लहराता है, जो खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। इतना ही नहीं, वो दूसरे कार चालकों को पिस्तौल दिखाकर साइड हटने का इशारा भी कर रहा है, जिससे राहगीर भी दहशत में आ गए। कई किलोमीटर दूर तक कार दौड़ती रही और इसी तरह ये लोगों को पिस्तौल दिखाता रहा। कार दिल्ली से डासना की तरफ जा रही थी। वहीं इस सफेद कार के पीछे चल रहे एक दूसरे कार सवार शख्स ने इसका वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें लोगों की तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां पुलिस से इस पूरे मामले में कार्रवाई की लोग मांग कर रहे हैं, तो लोगों का ये भी कहना है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि इनमें पुलिस का खौफ नहीं है। और अब ये वीडियो पुलिस के पास भी पहुंच गया है। DCP ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। अब इस वीडियो और हाईवे पर लगे CCTV की मदद से कार में बैठे इन युवकों की तलाश और तेज कर दी गई है। आजकल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड सा चल पड़ा है, जिसमें युवा फेमस होने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं और कुछ भी कर डालते हैं। ऐसे लोग तो इतने बेखौफ हो चुके हैं कि कानून का भी जरा ख्याल नहीं करते। अब देखना यह है कि यह शख्स कब तक कानून के शिकंजे में आता है। रिपोर्ट News18। बलरामपुर में इस वक्त एक आदमखोर का आतंक है और बीते 10 दिनों में आदमखोर 4 मासूमों को अपना निवाला बना चुका है। बलरामपुर के तराई क्षेत्र में इस समय एक आदमखोर जानवर घूम रहा है और वो आतंक का बड़ा सबब बना हुआ है। महज 10 दिन के अंदर ये आदमखोर 4 बच्चों को अपना निवाला बना चुका है। बेलवा गांव में एक 7 साल के बच्चे को आदमखोर जानवर उसके घर से उठाकर ले गया। बच्चे का शव गांव से आधा किलोमीटर दूर पहाड़ी नाले की झाड़ियों में मिला। इसके पहले तुलसीपुर थाना क्षेत्र के लाल नगर सिपाहिया गाँव में आदमखोर 3 बच्चों को शिकार बना चुका है और इसकी वजह से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बाघ आया तो हम वहीं थे, तो एक कुत्ता था वो भूखने लगा, जब भूखते तो शेर इधर ही भगा और यहाँ ये बच्चा जो है यहाँ बैठा हुआ था और बैठने के बाद जब वो आया तो इसे झपट करके वहाँ भाग गया। यहाँ हाँ इसको लेकर के भगा है जी। सब लोग दौड़े मतलब सब लोग है? हाँ सब लोग तुरंत हल्ला हुआ और उसके बाद सब भाग गए। कितना दूर पे मिला? यहाँ से लगभग 500 मीटर। वन विभाग इस आदमखोर को तेंदुआ मान रहा है। उसकी पहचान के लिए कैमरा ट्रैपिंग की जा रही है और पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक आदमखोर जानवर कैमरे में दिखाई नहीं पड़ा है। वन विभाग ने आदमखोर को ट्रैंकुलाइज करने का आदेश भी दिया है। लगातार हो रही घटना से स्थानीय लोगों में भारी दहशत है। लोग घर से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। लोगों में भारी आक्रोश भी है। पुलिस प्रशासन और वन विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित भीड़ को शांत कराया। हमारा टीम उसके पास में एक लाल नगर ऑलरेडी 2 घटना हुआ उसमें हमारा टीम था, सो तुरंत ये न्यूज़ हमको मिला, तुरंत उन्होंने उधर गए। हम लोग भी हमारा SDO साहब से हम CO SDM बलरामपुर सब लोग को मौके पे तुरंत पहुंच गया
उनको डेड बॉडी भी मिल गया। हम तुरंत उसमें उसी जगह में हम पिंजरा भी लगाया। हमारा टीम पूरे तरीके से लास्ट 10 दिन से हमको उसी एरिया में कॉम्बिंग भी आसपास में कर रहा है। आदमखोर को पकड़ने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा सिद्धार्थनगर और बाराबंकी जिले के डीएफओ को भी सुहेलवा वन जीव प्रभाग में भेजा गया है ताकि घटनाओं को रोकने और आदमखोर तेंदुए को पकड़ने में मदद मिल सके। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की मदद से जन जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया है, लेकिन फिलहाल बलरामपुर में आदमखोर ने डर का माहौल पैदा कर रखा है। उसके पकड़े जाने के बाद ही लोगों को राहत मिलेगी। न्यूज 18 के लिए बलरामपुर से सर्वेश सिंह की रिपोर्ट। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाने वाला है, जिसके लिए अहमदाबाद पूरी तरीके से तैयार है। और खास बात यह है कि मैच देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी स्टेडियम में मौजूद रहे। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम महामुकाबले की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है, जहां क्रिकेट की दुनिया की दो बड़ी टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया फाइनल मुकाबले में भिड़ेंगी। 12 साल पहले टीम इंडिया मुंबई के मैदान पर फाइनल जीतकर दूसरी बार चैंपियन बनी थी और अब बारी है तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने की। पूरे देश की उम्मीद है कि इस बार टीम इंडिया फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ेगी। भारतीय टीम शानदार फॉर्म में चल रही है और टीम इंडिया का पलड़ा भारी भी लग रहा है, क्योंकि भारत का सेमीफाइनल्स में रोमांचक महामुकाबला हुआ है, लेकिन वो मैच भारत ने बेहद ही शानदार अंदाज में जीता था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो बड़ी मुश्किल से सेमीफाइनल्स जीतकर फाइनल में पहुंचा है। भारत अपने सभी लीग मैच जीत कर आया है और ऑस्ट्रेलिया को अपने पहले मुकाबले में भी हरा चुका है। 12 साल बाद भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है। उस बार भी भारत चैंपियन बना था और इस बार भी फाइनल्स में पहुंचा है, जिसके लिए अहमदाबाद तैयार है इतिहास रचने के लिए। वर्ल्ड कप का ऐसा ग्रैंड शो होने जा रहा है जो अभी तक किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन अब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसे पूरी दुनिया देखेगी। वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए ICC और BCCI ने मिलकर बहुत बड़ा प्लान बनाया है। स्टेडियम के अंदर और बाहर जमकर तैयारी हो रही है। वर्ल्ड कप 2023 की क्लोजिंग सेरेमनी में एक से बढ़कर एक कार्यक्रम होंगे, जिसके लिए कई बड़े इंतजाम किए गए हैं। इसमें एयरफोर्स के सूर्य किरण विमानों का हैरत अंगेज करतब भी होगा, जो इस आयोजन पर चार चांद लगा देगा। बारह सौ से ज्यादा ड्रोन विजेता टीम के नाम के साथ अहमदाबाद के आसमान को रोशन करेंगे। इसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा आतिशबाजी शो भी होगा, जो आज तक नहीं देखा गया है। लेजर शो भी होगा। 500 से अधिक डांसर स्टेडियम में अपना हुनर पेश करेंगे। मैच देखने के लिए कई बड़ी हस्तियां वहां मौजूद होंगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा, अंबानी परिवार भी मौजूद रहेगा। 100 से ज्यादा सेलिब्रिटी अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी सीएम रिचर्ड मार्शल भी मैच के दौरान मौजूद रहेंगे। क्रिकेट के इस महामुकाबले में कई बड़े दिग्गज क्रिकेटर टीम इंडिया को सपोर्ट करते नजर आएंगे। सचिन तेंदुलकर, राजर बिन्नी, हार्दिक पांड्या के नाम शामिल है। इसके अलावा BCCI सचिव जय शाह, राजीव शुक्ला मौजूद रहेंगे। वर्ल्ड कप इतिहास के विजेता कप्तान क्लाइव लाइट, कपिल देव, एलन बॉर्डर, अर्जुन रणतुंगा, स्टीव वा, रिकी पोंटिंग, धोनी, माइकल क्लार्क, इयोन मॉर्गन भी पहुंचेंगे, जिन्हें स्पेशल ब्लेजर से सम्मानित किया जाएगा। 1,32,000 क्षमता वाले स्टेडियम में टिकटों की मारामारी है। अहमदाबाद के इस बड़े मैच के लिए दूसरे राज्यों से लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एयर टिकट भी काफी महंगा हो गया है। वहीं अहमदाबाद में होटल पूरी तरह फुल हो चुके हैं। यहां भी किराए में जबरदस्त उछाल है। टीम इंडिया इस बार क्रिकेट वर्ल्ड कप का चौथा फाइनल खेलने जा रही है। साल 1983 और उसके बाद 28 साल बाद साल 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता है, जिससे इस बार भारत के पास तीसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल जीतने का मौका भी है। हर भारतीय क्रिकेट फैन को बेसब्री से अपनी टीम के चैंपियन बनने का इंतजार है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। रिटायर्ड कर्नल की पत्नी का मर्डर, रिटायर्ड कर्नल के बेटे पर ही हत्या का आरोप लगा है। बलवीर रोड में जज कॉलोनी का यह पूरा मामला है और इस हत्याकांड के बाद सनसनी फैल गई है। रिटायर्ड कर्नल के बेटे पर ही इस हत्या का आरोप लगा है। देहरादून से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक रिटायर्ड कर्नल की बेटी का मर्डर हो गया है। भारती सकलानी से इस पर अपडेट लेते हैं। भारती, क्या जानकारियां अभी तक मिल पाई हैं और पुलिस क्या बता रही है इस घटना पर? देखिए, मैं एक बड़ा अपडेट यहाँ पर दे दूं। जो अभी अभी हमारे पास खबर आ रही है और जो हम मौके पर मौजूद हैं, उसमें ये पता चल पाया है कि पुलिस ने अधिकारी हैं मुरादाबाद में, ये पोस्टेड थे डिप्टी एसपी, और इनके बेटे ने अपनी ही माँ को सब्बल से मौत के घाट उतार दिया है मारकर। और सुबह का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त पुलिस बल मौके पर मौजूद है और जो इनका बेटा है उसको पुलिस लेकर गई है, क्योंकि उसने भी अपने हाथ की जो नस है वो काटी है, तो अभी उसको इलाज के लिए एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त था युवक, और जिस वजह से इनकी पारिवारिक कलेश चलता रहता था, माँ के साथ इसकी अनबन चलती रहती थी, जिस वजह से आज इसने आक्रोशित होकर अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया। बिल्कुल, आप बता रही है कि इस लड़के ने खुद को भी खत्म करने की कोशिश की है, अपने हाथ की नस काट ली है। क्या इस तरह की कोई घटना घर के अंदर, आप बता रही काफी वक्त से इस तरह का क्लेश चल रहा था, पूर्व में भी किसी तरह के वॉयलेंस की कोई खबर है? पुलिस ने आसपास लोगों से बातचीत की होगी, घर में और कितने सदस्य हैं? देखिए, माँ और बेटा ही घर पर मौजूद था। इवन जो पड़ोस के लोग हैं, जज कॉलोनी यहाँ पर है और हाई प्रोफाइल ये पूरी सोसाइटी है जहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया, जहाँ पर ये लोग रहते थे, और इन लोगों की आपस में काफी दिनों से अनबन भी चल रही थी, बीच बीच में बहस होती रही थी। माँ और बेटा ही घर में मौजूद थे। परिवार में अभी फिलहाल यही बताया जा रहे हैं, जैसे इस घटना के बारे में पता चला, जो उनके फादर मुरादाबाद में पोस्टेड थे वो वहां से आए, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और अब इस पूरे मामले में पुलिस आस पड़ोस के लोगों से और पूछताछ कर रही है, क्या रीजन रहे हैं, किस डॉक्टर से इलाज चल रहा था, इन तमाम कड़ियों को जोड़कर इस घटना को आगे बढ़ा रही। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका भारती। और बात न्यूज 18 नेटवर्क स्पेशल की, वर्ल्ड टॉयलेट वीक के जरिए स्वच्छता संकट को दूर करने का एक महत्वपूर्ण समय है। अपने अभियान मिशन स्वच्छता और पानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य उचित शौचालय व्यवहार और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसके महत्वपूर्ण लिंक के बारे में शिक्षित करना और जागरूकता बढ़ाना है। आइए देखते हैं इसी बारे में न्यूज 18 नेटवर्क का एक विशेष संदेश। क्या आप स्वच्छ और स्वस्थ भारत के बारे में सीखने के लिए तैयार हैं? स्वच्छता प्रस्ताव, हम भारत के बच्चे मिलकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम और हमारा समुदाय स्वस्थ और खुशहाल रहे। हम वादा करते हैं कि हम कीटाणुओं से दूर रहेंगे और बीमारियों से खुद को बचाएंगे। हम खुद को स्वच्छ रखते हुए अपने पर्यावरण का ध्यान रखेंगे। हम स्वच्छता के मिशन में सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम शौचालय इस्तेमाल के बाद उसे दूसरों के लिए साफ छोड़ेंगे। साफ शौचालय हम सबका अधिकार है। हम स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन को सफल करने का प्रयास करेंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि सभी इस स्वच्छ और स्वस्थ दुनिया का हिस्सा हो, जिसे हम सब मिलकर बना रहे हैं। मिशन स्वच्छता और पानी, हेल्दी हम जब साफ रखें टॉयलेट हरदम।